तो जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मेक श्योर कि आपका इंटरनेट कनेक्शन ऑन है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाकर आपको ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर आपके फ़ोन में पहले से ही कोई अकाउंट ऐड है तो आपको यहाँ पर ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन दिखेगा, और नहीं है तो आपको सिंपली इसे ओपन करते ही साइन इन का ऑप्शन मिल जाएगा। तो और सिंपली आप इसको गूगल गूगल और ईमेल से भी जाकर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ऐड अनदर अकाउंट का ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने एक पेज को खुल कर आ जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर आपके पास कोई अकाउंट पहले से है तो आप यहाँ पर साइन इन कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो आपको यहाँ पर क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, फॉर माई सेल्फ टू मैनेज माई बिजनेस। तो अगर आप अपने लिए किसी और के लिए बनाना चाहते हैं तो आपको फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है, और अगर आपको अपने बिजनेस के लिए बनाना है तो आप बिजनेस पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको अपने लिए बनाना है तो आपको फॉर माई सेल्फ पर क्लिक करना है, और सिंपली आपको यहाँ से अपना नेम एंटर करना है। तो मैं अपना नाम एंटर कर देता हूँ और यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपसे पूछेगा एंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, तो यहाँ से आपको अपना बर्थडे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो मैं डाल देता हूँ, यहाँ पर आपको डेट डालनी है और यहाँ पर ईयर, सॉरी, और यहाँ से आपको अपना जेंडर चूज कर लेना है और सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपसे अपने जीमेल अकाउंट का यूज़र नेम पूछ रहा है, तो यहाँ से आप कोई भी यूज़र नेम चूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़र नेम चूज़ कर लेता हूँ। आप कोई यूनिक यूज़र नेम चूज़ करिएगा, तो मैं चूज़ कर लेता हूँ कॉलेज स्टूडेंट। तो सिंपली आप यहां से अपना मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं, यूज़ मोबाइल पर क्लिक करके। तो यूज़र नेम डालने के बाद आपको यहां पर सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए यहां पर ये यूज़र नेम लिया जा चुका है, तो मैं दूसरा चूज़ कर लेता हूं कुछ, और यहां पर मैं डाल देता हूं BCA। तो नेक्स्ट पर क्लिक करना है। तो देखिए यूज़र नेम सक्सेस हो गया। अब यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पर कोई सिंपल सा पासवर्ड डाल देता हूँ एक, आपको कोई हार्ड पासवर्ड या स्ट्रांग पासवर्ड देना है। यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ और यहाँ पर सिंपली आपको कंफर्म पासवर्ड पर क्लिक करना है और वही पासवर्ड रीएंटर करना है, और यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके पास एक पेज खुल कर आएगा, तो यहाँ से आपको SIM पर क्लिक करना है। सिंपली ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, तो यहाँ से आपको SIM क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर आपका जीमेल अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहां से आई एग्री पर क्लिक कर देना है। वो खुल जाए यार, कितनी देर सर्च मारेगा। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, तो सिंपली आप इस पर साइन इन कर सकते हैं। सॉरी फॉर द स्लो इंटरनेट कनेक्शन।
तो यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है।